डायरेक्टरों की आपको समझनी चाहिए कि सरदार इब्राहिम जो किराए के मकान में रहते थे श्रीनगर में, आदि गुजरगा का एक मकान, किराए का मकान, वहां क्यों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ? वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो दावा करती है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का नुमाइंदा होने की, श्रीनगर रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका था, उस श्रीनगर में कोई एक बंदा भी वहां का ऐसा नहीं था जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उस इजलास मुनाकिद करने के लिए जो है अपना मकान दे, अपना घर दे। और न सिर्फ ये कि किसी एक बंदे ने भी अपना घर नहीं दिया, बल्कि वो जो कहते हैं वो जो हाउस बोट किराए पे दी जाती थी, किसी एक हाउस बोट के मालिक ने भी इनको किराए पे जो है अपनी वो हाउस बोट भी नहीं दी। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी का आलम था। क्या कहते हैं उस वक्त कैंडिडेट में, इसमें कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त कश्मीर की बड़ी जमात थी। उससे पहले जो इलेक्शन हुआ 1947 जनवरी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकॉट किया मुसलमानों की मखसूस किस्तों पे, जैसे इधर होता है ऐसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग इलेक्ट हो गया है। उसकी बुनियाद पर अगर ये झूठ बोला जाता जाए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत के लोगों की नुमाइंदा जमात थी, उसने एक फैसला किया, और अगर रियासत की नुमाइंदा जमात ने फैसला किया तो जब पाकिस्तान में बगावत हुई महाराजा के खिलाफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों का दावा है, हालांकि वो भी तारीखी झूठ है कि वो बगावत उनके कहने पे हुई, तो उस वक्त श्रीनगर में बगावत क्यों नहीं हुई? उस वक्त जम्मू में बगावत क्यों नहीं हुई? चौधरी गुलाम अब्बास चौधरी हमीदुल्ला जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और कायम मकान सदर के तौर पे काम कर रहे थे, वो तो जम्मू से तलक रख रहे थे। इसाक करेशी जम्मू से थे जो उसके सेक्रेटरी जनरल थे। तो फिर बताइए बगावत पूंछ में क्यों, बगावत गिलगित बल्तिस्तान में क्यों हुई? अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की काल की बगावत थी, ये भी एक तारीखी झूठ है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि पार्टी सदन में मैं फिर पीछे जाता हूँ कि जो तारीख है वो अपने हकीकी तनाजर में हमारे सामने नहीं रखी जाती, मसलतों की बुनियाद पर, मुफाद की बुनियाद पर हमें झूठी तारीख बताई जाती है, हमारे नौजवानों को झूठी तारीख बताई जाती है। और मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि आज से 62 साल पहले सारी कश्मीरी उन्हें आगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ थी, बाकी लोग एक तरफ थे, लेकिन अगर सारी कश्मीरी उन्हें यूनानी मसली हला के पाकिस्तान की करारदाद पास की होती, तो वक्त ने उस करारदाद को भी गलत साबित किया है। और जब वक्त ने उस करारदाद को गलत साबित किया है तो आज 62 साल बाद फिर वही नाटक रचाना अपने मखसूस मखसूस मफादात के लिए, और वह ड्रामा आके फिर रामला कोर्ट में स्टेज करना, और मोदी कानी फरमाए थे वो जो आपके खून पसीने की कमाई है, जहां से मजलूमों गरीबों के खून पसीने की कमाई है, जो कानी खजाना है उसको पानी की तरह पाकर रामला कोर्ट में एक प्राचम कठा ब्रादरीजम के नाम पर इकट्ठा किया गया, कोई नजरिए किसी उसूल की बुनियाद पर नहीं। और ये ताजर कहने की कोशिश की गई कि रामला कोर्ट में और या पुंछ के लोग जो है आज भी अल्लाह के पाकिस्तान के हामी और उसके हक में। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे हजारों वहां लोग आए थे, उनमें से मेरे ऐसे भी बेशुमार लोग देखे जो सैर तफरी के लिए आए, जब सरदार की तरफ यही नहीं, किसी को इससे गरज ही नहीं थी कि वो अल्लाह के पाकिस्तान की तरह तरह से वो हो रहा है, या संद हयात की सियासी ताकत का मुजाहरा हो रहा है, या एक जो बरादरीज़म राजाइज़म जो है उसको परवान चढ़वाया जा रहा है। मेरे मोहतरम बाप, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमें इसका जवाब देना है, भरपूर ताकत के साथ जवाब देना है। ये जो काली खजाने को पानी की तरह पाकर एक झूठा और मनगत नारा हम पर मुसलत करने की कोशिश की गई, हम पर यह लेवल लगाने की कोशिश की गई 21वीं सदी के शुरू में, कि हम आज भी जालत के उस दौर में जिसने आज से 65 साल पहले कश्मीरियों को धकेला गया था। हमने इस पदनवाद ताक को छूना है, और उस पदनवाद ताक को छूने के लिए आप नौजवानों को मैदान अमल में आना होगा। आप नौजवानों को मैदान अमल में आकर
मुस्तक करीब में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करना होगा। आपने शाह के हुक्मरानों को, इनके आकाओं को जो इस्लामाबाद में बैठे, उन्हें यह बताना होगा कि कश्मीर का नौजवान जो है, जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है, पुंछ का जो नौजवान है, वो हालात को अपने जूते की पौ लोक के रखता है। पाकिस्तान हो, जहाँ का नौजवान, जहाँ का बच्चा जो है एक आजाद जमहूरी खुद मुख्तार कश्मीर को ही, कश्मीरियों की अपनी आखिरी मंजिल सफर करते हो, उसके लिए जिनाजोत के अमल को आगे बढ़ाएगा। मेरे मोहतरम आवाज थोड़ा सा सबर कीजिए, बारिश में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो मुझे और आपको बगा दे। मैं कोशिश करूंगा, मैं आज शाम का तकाजा करूँ बारिश का। आपसे भी मेरी ये उम्मीद है कि आपकी बारिश को शिकस्त देंगे। बारिश से हर बार भागना नहीं है, आप हमने बारिश को भगाना है। मेरे मोहतरम आवाज, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, बात को मुख्तसर करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि ये फैसला कर लीजिए आप कि हमने भरपूर अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में, गली गली जाकर, मल्ला मल्ला जाकर, हर एक नौजवान के पास जाकर उसको एक आजाद जमहूरी मेरे मोहतरम आवाज, मैं आपको इस तरह लाना चाहूंगा जिस तरह मेरे भाइयों ने कहा कि आज से 5 दिन पहले कराता हालात पाकिस्तान को नजरे आदर्श करने के हवाला से, हालात पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के हवाला से जो झूठे मन तक मुकदमात कायम किए गए, वो झूठे मन तक मुकदमात जो है, हम कहते हैं उन मुकदमात को वापस लिया जाए और उन लोगों को जो एन एस एस के लोग और जो नेशनल वाली पार्टी के लोग किए गए हैं, उन लोगों को गैर मशहूर तौर पर राहत दिया जाए। मैं एक मजाक आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इमरजेंसी वापस ही नहीं है तो इमरजेंसी लगा दिया गया, चाकिंग का एक्ट जो है, चाकिंग एक्ट जो है उन पे लगा दिया गया। नहीं नहीं, ठीक है, चैकिंग का की बुनियाद पर उनको मुकदमा कायम कर दिया गया, लेकिन आपने सारे पुंछ को देखा है, सारे रावण कोर को देखा है कि उसमें एक मखसूस जमात, एक मखसूस ग्रुप की चैकिंग जो है विश्व रंगों में हुई है। सारे शहर के दर और दीवार जो है वो चैकिंग के साथ साथ दर किए गए हैं। अगर चैकिंग एक्ट लगा नहीं है, अगर चैकिंग एक्ट लगा नहीं था तो वो जो राजा बहू कहता के पालतू हैं, उनके खिलाफ चैकिंग एक्ट क्यों नहीं लगाया जाता? तो चैकिंग एक्ट लियाकत आया तो उसके साथ ही उनके खिलाफ लगाया गया। इमरजेंसी एक्ट लगाना, तो इमरजेंसी है ही नहीं, इमरजेंसी जो है इमरजेंसी लगता ही नहीं गई तो किस तरह बड़ा